असम एंड हम लोग का आदिवासी के सारे समाज मुंडा उमरा संथाल खड़िया गौर प्रजा भूमि बड़ा जितने समाज इधर इकट्ठी हुई हैं हम लोग जो कि जो प्रीवियस हम लोग दिखे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा का दिवस में एक घोषणा किया है उसको हम लोग वेलकम करते हैं उसको धन्यवाद देते हैं कि ट्राइबल दिवस जो ट्राइबल दिवस बोल करके एक घोषणा किया हुआ है गौरव दिवस उसको हम लोग वेलकम करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं क्योंकि द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ ट्राइबल उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिरसा मुंडा उसके बेटे बेटी उसके चेला उसके उसके जाति भाई कुटुंब हम लोग लेकिन इधर हम लोग को अलग से बोल देते हैं इसको लेकिन हम लोग बहुत मतलब क्या कहेंगे इसको हम लोग को बहुत दुख प्रकट होते हैं लेकिन हम लोग एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं प्रकट कर नहीं सकते हैं कि हम लोग को कितना दुख पहुँचा है कितना ठेस पहुँचा है इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोदी जी को जरूर एक चीज़ का उसको स्पष्ट है और उसको क्लियर है कि मुंडा लोग क्या है उरांव लोग क्या है संथाल लोग क्या है इसलिए हम लोग जो कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है उसको हम लोग बड़े दुख से उसको प्रकट करना चाहते हैं एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हम लोग जो असम में बहुत पीड़ित है जो दुखिया है जो बिलो प्रॉपर्टी लेवल में है इसको सोच करके आपका जो बजट है जो सेशन आएगा नेक्स्ट उसमें आपका जो ट्राइबल स्टेटस का जो बातचीत है इसको तुरंत कीजिए ताकि असम का जितने ही आदिवासी है आप देखिए इन लोग मतलब मौलिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं इसका नाम निशाना भी खत्म करना चाहते हैं तो ये बड़े दुख की बात है और उसके लिए जो भारत का संविधान इतना बड़ा से बना हुआ है इतना मतलब उसको उसका ऊपर में स्टडी करके बना हुआ है उसका बाद भी अगर ये आसाम में इतनी उरांव मुंडा संथाल खड़िया अगर इधर हो जाएंगे इसका हिस्ट्री खत्म हो जाएंगे इसका भाषा खत्म कर देंगे इसका ट्रेडिशन खत्म कर देंगे तो भारत का संविधान का क्या मतलब है इसलिए हम मोदी जी को अपील करना चाहते हैं कि आप इधर आइए हम लोग से डायरेक्ट बात कीजिए बगान में घुसिए टी गार्डन में घुसिए आप डायरेक्टली बात कीजिए भेंट कीजिए कि ओरिजिनल मुंडा है कि नहीं ओरिजिनल खड़िया है कि नहीं ओरिजिनल संथाल है कि नहीं ओरिजिनल सावरा है कि नहीं आपको लगता है कि ओरिजिनल है अगर डाउट लगता है तो आप डीएनए टेस्ट कीजिए इसके सारे डीएनए कीजिए कि ओरिजिनल इंडियन है कि नहीं क्योंकि हम लोग का एनर्जी में तो अभी भी स्पष्ट है अभी भी क्लियर है कि सारे आदमी जो असम में ठहरे हुए हैं असम में काम करके खा रहे हैं ये सारे आदिवासी हैं हम लोग तो बार बार इतना मेमोरेंडम दिया हुआ है हिसाब नहीं है लेकिन होने से भी असम सरकार पॉलिटिकल फायदा के लिए क्या करते हैं एक जात को एक ट्राइब को अलग अलग नाम से दे करके इसको गुमराह करते चाहते हैं इसलिए हम लोग का एक ही भरोसा है इंडियन सरकार इंडियन के प्राइम मिनिस्टर का ऊपर में भरोसा है कि हम लोग को बचाइए हम लोग जीना चाहते हैं मानुष होकर के हम लोग का कल्चर को हम लोग बचाना चाहते हैं हम लोग का भाषा को बढ़ाने चाहते हैं क्योंकि हम लोग भी कब हाईजैक हो जाता है हम लोग को भी पता नहीं चलता है क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा चीज है इतना धीरे से इतना प्यार से काम किया होता है कि टोटल इशू को भी डाइवर्ट कर देता है इशू को भी इधर उधर कर देता है इसलिए हम लोग का समाज को तो टोटली पॉलिटिकलाइज करके पॉलिटिकल इशू करके हम लोग का जो मुद्दा है उससे इधर उधर कर देता है लेकिन आज हम लोग ऐसा जोरदार से इतना मतलब पेशेंस रख करके हम लोग आलोचना विचार कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें हम लोग इधर उधर नहीं होंगे इसलिए हम लोग का जो मीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं ये मीटिंग हम लोग का मंथली मीटिंग चलते रहेगा जब तक हम लोग का एसटी नहीं मिलता है तब तक हम लोग का ये मंथली मीटिंग जारी रहेगा इसलिए जो भी इशू है उसको कोई भी पॉलिटिक्स कोई पॉलिटिशियन ताकि डाइवर्ट कर नहीं सकेंगे जिसको लेके हम लोग भी कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं आशा का मीटिंग है तो भाई पता चलता है नहीं है तो आशा का वो ग्रुप का है उस ग्रुप का है इस बारे में आपका क्या कहना है हाँ कब कब ऐसा होता है इशू को लेकर के मुद्दा को लेकर के सोच विचार अलग अलग होकर के दो भाग तीन भाग चार भाग भी हो सकते हैं कांग्रेस का देखिए आप कितना कांग्रेस बन गया सीपीएम का देखिए कितना सीपीएम बन गया तो इसलिए हम लोग तो भाई भाई है भाई भाई में तो झगड़ा झटी होगा लेकिन एक दिन ना एक दिन तो यूनिटी आएगा भाई जो ब्लड का रिश्ता है खून का रिश्ता ये खत्म होने वाला नहीं है हम लोग का खून का रिश्ता एक ही है हम लोग एक होने वाला है और काल पुरुषों तक हम लोग एक हो जाएंगे और हम लोग का ऑलरेडी अपील किया हुआ है ऑलरेडी अश्योरेंस हम लोग दोनों ग्रुप से आप लोग को दिया है और आज हम लोग इसलिए एक हो रहा है क्योंकि जात हम लोग का ट्राइब बहुत डेंजर में है
बहुत संकट में है, इसलिए हम लोग जात का सार्थक लेकर के हम लोग इकट्ठा हुआ है और ई इशू को लेकर के हम लोग ABCD कुछ नहीं है। ये तो पब्लिक लोग बोल रहे हैं, ये तो कोई कोई तो फायदा उठाने के लिए भी बोल सकता है, और फेसबुक में तो जो लोग लिखता है जिसका बारे में कुछ पता ही नहीं है, वही लोग लिखता है जिसको कुछ पता ही नहीं आता है और जिसको खूब फेसबुक में इंटरेस्ट लाता है वो लोग ये लिखता है। लेकिन आज सेंट्रल बॉडी का जो दोनों ग्रुप का हो वो लोग लिखने वाला नहीं लिखता है, क्योंकि हम लोग का मुद्दा की है, दबी की है, वही है शेड्यूल ट्राइब। जब तक शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलेगा तो जो भी ग्रुप हो वो लोग चुप बैठने में से नहीं है। इसलिए हम लोग का दोनों ग्रुप आज आपने खुद ही देख सकते हैं, इधर स्टीफन ग्रुप भी हो या देवेन ग्रुप हो या जोसेफ ग्रुप हो, सारे ग्रुप एक ही साथ है, एक ही कारण से कि हम लोग एक ही जात है, एक ही ट्राइब है, एक ही मांग है, इसलिए हम लोग एक ही साथ आए हुए हैं। और कल तक हम लोग का एक ही एसोसिएशन होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कुछ डाउट नहीं है। आपको आप लोगों को ऐसा नहीं আজি আমার মাজত দাদা ভাইয়ের মাঝে কাজিয়া হয়, আমি দাদা ভাই, দাদা ভাই কিবা একটা কারণ হোমেল মিল হওয়ার কারণে কাজিয়া হল, কিন্তু জাতির স্বার্থত আছে সবই লয়ে আছে, ইয়াত ABCD নাই, আমার এটা স্পান গ্রুপ প্রতিভা গ্রুপ নাই, এটা এটাই গ্রুপ হব জাস্টিন লাকড়া গ্রুপ, যেটো এটাই আসা, এটো অতি সোনকালে আপনাদের দেখা পাব, এটোর কারণে আমি মনে দিন আমি মিলি আছো, তাত কোনবা মিলাই দিব লাগে, মিলাবার কারণে মিলিছো যেটো হয়, আমি মনে দি মিলিছো আর জাতির স্বার্থতে মিলি আছো, কারবা পার্সোনাল স্বার্থত আমি মিলিব খোঁজা নাই, জাতির স্বার্থত আমি একলগত আইসু আর একলগত থাকিম আর এটাই মঞ্চ হব, এটু একদম স্পষ্ট, যেহেতু জেস্টপান গ্রুপর আমার অলরেডি এজন সম্পাদক আছে, তেখেত স্পষ্ট কব, যেহেতু মোর জোসে মিন্স আমার একটা টিম আছে, আমি স্পষ্ট করছি আমার কোনো বিভাজন নাই, জাতির স্বার্থত আমি যে কোনো পদক্ষেপ লব কারণে আমি হাজু আছো। এসটি সম্পর্কে কি কব? এসটি তো একদম স্পষ্ট, যেতালকে এসটি না পায়, যেতালকে আমি এসটি না পাম, আদিবাসী জাতি কেতিয়াও মন মিলে না থাকে, তার কারণে যি সংগ্রাম করব লাগে তাত আমার অধ্যায় প্রস্তুত, আর আমি তার কারণে অলরেডি যা যা চলাই আছো, সরকারে যেহেতু আশ্বরেস দিছে যে আদিবাসী অতি সোনকালে এসটি করাম, সেইটুকে রুখি আছো, তাকে আশা ভরসা করি, কিন্তু এতিয়াও সরকারে যদি এসটি নিদিয়ে তাতো আমার জাতি একদম স্পষ্ট, এসটি নিদিলে যে আমার জাতি খতম হব বলে যদি ভাবছে সরকারে একদম মিছলিয়া, এসটি নিদিলে কিন্তু আমার মান বেশি হয়ে গরম হব, আমার ইউনিফিকেশন বেশি হব, ইউনিটি বেশি হব, আর সরকার লগত যুদ্ধ করার কারণে কারেজ বেশি বাড়ব, এইটোর কারণে সরকার যি সরকার নহক এই সরকারক আজি এই মিটিং যোগেদি আমি কয়ে দিব খুঁজিম, সরকার আপনি ডেমোক্রেসি বুঝি পায়, ডেমোক্রেসি লিড করে আছে, এই এইটোর কারণে ডেমোক্রেসি হিসাবতে আমি এসটিটো বিচারিছো, কাকো আমি জবরদস্তি কব খোঁজা নাই, আমার যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইট মৌলিক অধিকার, আমার ফান্ডামেন্টাল চিনাকি আইডেন্টিটি এইটাই খুঁজিছো, বেলেগর ভঁড়ালর ধান খোঁজা নাই, আমার যেটা RGIR রেকর্ডের মতে আপনি টু রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হিসাবত উই আর ট্রাইবেল ইন্ডিজিনাস এইটাই বিচারি আছো, এইটো অতি সোনকালে মরম করে পেলায় ভারতের সংবিধানক সম্মান করে আমি আমাক দিব লাগে বলে আমি তেখেতক লগ কৰিছো। ইয়ার পিছত আশার যেহেতু দেবেন ওরাং এইটুক আপনারক আশার দুটা যেহেতু দুটা মেরিট বিভাজন হয়েছিল, আজি এটা ভাল লক্ষণ দেখা পাওয়া গেছে যে দুটা সংগঠন পুনর এটা মেরুট কি কব আপনার অনুভব কি? হয় আমার কিছু ক্ষেত্রত অমিলতা হয়েছিল আর আমি বিভাজিত হয়ে আসিল বহু দিন ধরে, কিন্তু আমি জাতির সংকটের সময় যেটা আমি একলগ হয়েছো আর আজি ইয়াত বহিছে এইটো কথা নয়, ইয়ার আগত আমি দুবার ইতিমধ্যে আলোচনা করেছো আর আশার দুইটা গোটেই সহমতত উপনীত হয়েছে, শীঘ্রে আপনাদের দেখা পাবো আমি একত্রিত হব। আপনার পরবর্তী আন্দোলন বা কি হব পরবর্তী পদক্ষেপ? আমার পরবর্তী আন্দোলন হব, আমি একত্রিত হওয়ার পিছত আমার পরবর্তী আন্দোলন যে আমার যেটা আমার দাবি জনজাতিকরণের যে দাবি আছে ইয়ার উপর আমি আন্দোলন চলাই নিম, যে চাহ শ্রমিকর দৈনিক মজুরি ইয়ার উপর তো আমি আন্দোলন কার্যসূচী হাতত লম, আর যেটো মেয়াদী পট্টা এটা বহুত জায়গাত আপনাদের দেখব পাইছে সরকারে বিভিন্ন জায়গাত আদিবাসী সকলকে হোক বা অন্য জনগোষ্ঠী সমূহক উচ্ছেদ অভিযান আরম্ভ করেছে, ইয়ার উপর তো আমি শীঘ্রে কার্যসূচী লম। হয় এয়া একাংশ রাজনীতিবিদ বৃহৎ ষড়যন্ত্র বলে আমি কব বিচার, কারণ এই চাহ জনজাতির নামাকরণ তো না থাকলে একাংশ আমার যখন আমারে সমাজের ব্যক্তি সকল রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করব নয়, সেই কারণে এই চাহ জনজাতি চাহ জনগোষ্ঠীর নামটা জিয়াই রাখব বিচার, আর একাংশ রাজনৈতিক নেতায় তখন উচ্চটনি দিয়ে
আমার ভাতৃ সংগঠনক উচনি দি এই সমাজ ব্যবস্থাক দি চাহ জনগোষ্ঠী বা আমার মুন্ডা উরাং সাঁওতাল কল বিল কয়াসকলক চাহ জনগোষ্ঠী সজাব বিচাৰিছে। এইয়া আমি কেতিয়া হব নিদো। আমি অতি আদিবাসী যেহেতু বাহিরত আমার এই জনগোষ্ঠীসমূহক আদিবাসী নামে জনা যায়, সে আমি আদিবাসী উরাং আদিবাসী মুন্ডা আদিবাসী আমি পরিচয় লাভ করব বিচার। আর অনাগত দিনত সরকারে যে জনজাতির বা যে জাতিগত প্রমাণপত্র প্রদান করব তাত আমার আদিবাসী মুন্ডা আদিবাসী উরাং কল বিল কয়া এনেকা ধরনের উল্লেখ থাকি উল্লেখ করবর বাবে আমি সরকারক দাবি জানাই। কি কব এই সন্দর্ভ আজি আমি সদক্ষম আদিবাসী ছাত্র সন্থা একটা বস্তু স্পষ্ট করে দিব খুঁজে আসো। সেই বস্তুটো কিন্তু আজ ভারত স্বাধীন হওয়ার আগতে 1947 আগরপরা কিন্তু স্পষ্ট আছিল যে উরাং মুন্ডা সাঁওতাল খাড়িয়া গড় সারা পর্যা ভূমিজ ইত্যাদি সকলে আদিবাসী হয়। ভারতবর্ষত যিকোনো জায়গা যাব সেই জনগোষ্ঠীক কিন্তু আপনাদের আদিবাসী বলে পাব। কিন্তু আজি লাজ লাগার দুঃখ লাগা কথা, আজি অসম সরকারে কি স্বার্থ কি কারণক সেই জনগোষ্ঠীটুকে আজি অসমত তেখেতসকলক চাহ জনগোষ্ঠী কয়, আর সেই জনগোষ্ঠীকে উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় ত্রিপুরা আদিবাসী বলে কয়, আর আদিবাসী হিসাবতে সম্বর্ধনা জানায় আদিবাসী হিসাবতে সন্মান দিয়ে। কিন্তু ইয়াত সিহঁতক কি কয়, একবার লেবারও কই দিয়ে, এবার চাহ জনগোষ্ঠীও কই দিয়ে, আর অন্যান্য কিনা কিনি কয় আপনাদের নিশ্চয় গম পায়। গতি আজি স্পষ্ট করে দিছে মিটিংয়ের যোগেদি অন বিহাফ অফ অল আদিবাসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম এন্ড অল যেমন আছে আমার সমাজ সকলে ইয়াত আহিছে তেখেতসকলেরপরাও আপনাদের ইন্ডিভিজুয়ালি কমেন্ট লোক পারি। তেখেতসকলে আজির মিটিং বহু যোগেদি স্পষ্ট করে দিছে আমার অরিজিন আমার সৃষ্টি আমার আদিবাসী হিসাবতে সৃষ্টি হয়েছে। তা তারা ডাবুলকে চাহ জনগোষ্ঠী লগাই দিয়া মানুষগুলো কোন হয় আর কেউ লগাইছে আর সেইবিলাকক স্পষ্ট করে দিছে সমাজে আজি যে সেইবিলাক মানুষ কোনো কোনো একটা দলের পলিটিক্যাল পার্টির একটা এজেন্টে হয়। গতি এই এজেন্ট সকলে জাতিক পলিটিক্যালাইজ করার কারণে আমি বন্ধ করব কারণে তেখেতসকলক আবেদন জানাইছো দাবি জানাইছো। যদিহে আজিরপরা তেখেতসকলে যদি আমার জাতিটুক বেলেগ কোনোবা একটা ট্রেড ইউনিয়ন লগত কোনোবা একটা বিজনেসের লগত কোনোবা একটা কোম্পানির লগত যদি জড়িত করবার কারণে চেষ্টা করে তেতিয়াহলে তেখেতসকলক আমি বর্জন করিম আর তেখেতসকলর এগেইনস্ট আমি ইয়াত কই ডাঙর আন্দোলন করবার কারণে আমি বাধ্য হয়ে যাব। এইটার কারণে আজ স্পষ্ট এই মিটিংয়ের যোগেদি আপনাদের গম পাব কোন কোন সমাজ এতিয়া বর্তমান আছে আর বহুত সমাজে দূরের আহিব নয়ারে আর ইয়ারপরা থার্ড মিটিং হব তাত কিন্তু অসমের সকলো আমার আদিবাসী জাতীয় সমাজবিলাক প্রেজেন্ট হব। কিন্তু আজি যেটা ইয়াত আইছে খুবই দুঃখের কই আছে যে আমার সরকারে জানি বুঝি কেউ আমাক চাহ জনগোষ্ঠী বনালে তার দুঃখ পাইছে। কিন্তু আজি বাগানত তো অন্য জনগোষ্ঠীও কাম করে, অসমীয়া করে, বড়ো করে, নেপালীও করে, গোর্খাও করে, কিন্তু তেখেতসকলের কাজ সার্টিফিকেটত কেউ চাহ জনগোষ্ঠী বলে না তুমি কেউ নিদিলে। কিন্তু সিধা সাদা সহজ সরল বলে সেই আদিবাসী উরাং মুন্ডা সাঁওতাল খাড়িয়া গড় সাঁওরাবিলাকক সেই চাহ জনগোষ্ঠীর নামটো কি দিব। কারবা যদি জাতি নাই, কারবা যদি ভাষা নাই, কারবা যদি হিস্ট্রি নাই, তেখেতসকলে নিজের জাতি গঠন করে লোক। কিন্তু আমার অলরেডি ভাষা আছে, আমার অরিজিন আছে, আমার হিস্ট্রি আছে, তার পেছত আমাক এই থার্ড ক্লাস নাম দিব কারণে চেষ্টা নকরক। সেটাই আমি আজ ওয়ার্নিং দিব খুঁজেছো। আমার হিস্ট্রি আছে, ভাষা আছে, কালচার আছে, অরিজিন আছে, গতি আমি আদিবাসী হয় উই আর ট্রাইবেল ইন্ডিজিনাস পিপল অফ ইন্ডিয়া অসম সেইটার কারণে আমি আদিবাসী হিসাবতে আমি কাস্ট সার্টিফিকেট আমি বিচারি আছো। আমার আদিবাসী মুন্ডা আদিবাসী উরাং আদিবাসী সাঁওতাল হিসাবত কাস্ট সার্টিফিকেট লাগে এইটো আশাও কই আছে আজি সমাজও স্পষ্ট করে দিছে। আজকা অন বিহাফ অফ অল আদিবাসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম হকারকে হামলক এক মিটিং কিয়া থা ইসলি কিয়া হয় কিউকি 1947 কা পাহিলে বা 47 তাক হামলক আদিবাসী উরাং মুন্ডা সাঁওতাল খাড়িয়া কাকে হি কাস্ট সার্টিফিকেট দে রহা থা। লেকিন আজ কিয়া হুয়া হয় আসাম সরকার কা পাতা নেহি, লেকিন আজ হামলক ই আপিল কারণে চাহতা এই মিটিং কে জরিয়ে সে কি হামলক কো কাস্ট সার্টিফিকেট দেনা হয় তো হামলক কো আদিবাসী মুন্ডা আদিবাসী উরাও আদিবাসী সাঁওতাল আদিবাসী গড় আদিবাসী পর্যা হকার কি হামলক কো কাস্ট সার্টিফিকেট দেনা পড়ে গেল জই কাস্ট সার্টিফিকেট ওবিসি কাস্ট সার্টিফিকেট যো দেরা আবি হামলক কো ওবিসি সার্টিফিকেট হামলক কো উস নাম সে হামলক কো প্রদান করনা পড়ে গেল। কিউকি হামলক দেখ রা হয় হামলক কা যো ফান্ডামেন্টাল রাইট হয় যো মৌলিক অধিকার হয় উসকো তো পুরা খতম কর দিয়া যা রা হয়। হামলক ভারত কা নাগরিক হয়,
होकर भी अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट इधर से वंचित किया जाएगा तो हम लोग कैसे अपने आप को इंडियन बोल करके हम लोग बोल सकेंगे। इसलिए हम लोग बोलने चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि हम लोग का फंडामेंटल राइट को हम लोग को चाहिए और वो फंडामेंटल हम लोग को सुरक्षित होना पड़ेगा। और इसी हिसाब से हम लोग बोलते चाहते हैं जो लोग जो पॉलिटिशियंस लोग जो पॉलिटिकल एमएलए हो या एमपी हो जो भी हो अगर ये इशू को लेकर के अगर वो लोग पॉलिटिकलाइज करने चाहते हैं तो हम लोग उन लोग को लास्ट वार्निंग देने चाहते हैं। ये जात का साथ में ट्राइब का साथ में पॉलिटिकल मत कीजिए। आपको पॉलिटिक्स करना है करो, नो प्रॉब्लम, हम लोग आप लोग को सहायता करेंगे, लेकिन जात को लेकर के ट्राइब को लेकर के कास्ट को लेकर के आपको पॉलिटिकल करने के लिए इधर कोई अथॉरिटी दिया नहीं हुआ है। आपका फंडामेंटल इधर दिया हुआ नहीं है, आपका राइट्स नहीं है। इंडिविजुअली जो भी करो नो प्रॉब्लम, लेकिन टोटल ट्राइब को लेकर के आप लोग डाइवर्ट करेंगे इशू को, फंडामेंटल राइट को आप लोग बर्बाद करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोग का सब ट्राइब जितने ही समाज है हम लोग का एसोसिएशन है सारे इधर इकट्ठा हुए हैं और वो लोग अपने जो सोच है जो दबी है जो मुद्दा है उसको इधर इकट्ठा करके हम लोग सरकार को अपील करेंगे बाय टुमरो। क्योंकि जो होम मिनिस्टर है हम लोग का चीफ मिनिस्टर उसको भी देंगे, WPT का जो मिनिस्टर है उसको भी हम लोग का जो दावी है सारे चीज़ को उसको मेमोरेटर के तौर से हम लोग सबमिट करेंगे। और हम लोग सरकार को बोले हैं और बोल रहे हैं जब तक हम लोग को आदिवासी मुंडा आदिवासी खड़िया आदिवासी उड़ाव आदिवासी परजा आदिवासी सावरा करके सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाला में से नहीं है। इसलिए सरकार को लास्ट ये हम लोग का वार्निंग या दावी हम लोग उन लोग को जाना रहे। एक सबसे बड़ा बात है स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? चाय बगन के लोग अभी भी बहुत स्वास्थ्य के में पिछड़ा है और हम लोग का तनख्वाह जो डेली तनख्वाह है उनका वो भी बहुत कम है। उसके लिए हम लोग 2014 से लगे हुए हैं, आशा होके दोनों ग्रुप भी लगे हुए हैं और अभी उसका थोड़ा कुछ तनख्वाह बढ़ गया है लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं और सरकार से यही अपील करेंगे कि जो बगान के जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है पानी पीने का व्यवस्था है उसको अच्छा की अच्छा करने का और जो हम लोग का जो तनख्वाह डेली तनख्वाह उसका बढ़ाने का हम लोग का भी दावी है सरकार से और जब तक तो वो सब नहीं करेगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। ST के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हम लोग का तो मूल दावी ST है और जब तक ST हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग का आंदोलन जो है चलते रहेगा। और हम लोग का हर समाज जब अभी आ रहे हैं सब कोई हम लोग का संगठन भी एकत्रित हो रहा है तो हम लोग का आंदोलन जरूर जोरदार होगा। आने वाले पीढ़ी को आप लोग एकत्रित होकर क्या संदेश देंगे? आने वाले पीढ़ी को हम लोग एकत्रित होकर यही संदेश देने मांगते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना है, हमारे समाज को सबको मिल के आगे बढ़ाना है और दूसरे जात के साथ में हम लोग को कदम से कदम मिला के शिक्षा में हो नौकरी में हो बिजनेस में हो राजनीति में हो हम लोग आगे बढ़ने चाहते हैं साथ साथ। आपके समुदाय को दो नाम से इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हम लोग के संगठन की तरफ से जो हम लोग अखिल असम आदिवासी छात्र संघ है हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग चाय जाति जो शब्द है उसे तूज करते हैं उसको उद्रो करने का मांग करते हैं। उद्रो करने का मांग करते हैं। Thank you.